हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का पार्ट 13, यूलिसिस और पॉलीफेमस। ये जो हमारा पार्ट है यूलिसिस और पॉलीफेमस, ये दो व्यक्तियों के नाम पे है। यूलिसिस एक सैनिक है और पॉलीफेमस एक राक्षस है, तो इन दोनों के नाम पर ये हमारे पार्ट का नाम है। यह यूनान की एक प्रसिद्ध कहानी है। जो ये हमारी स्टोरी है वो यूनान एक देश है, वहाँ की प्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम चतुराई और बहादुरी से अपनी और अन्य लोगों की भी जान बचा सकते हैं, या मुश्किल परिस्थितियों में अगर हम चतुराई और बहादुरी से काम लेते हैं तो हम अपनी भी जान बचा सकते हैं, अपनी भी सहायता कर सकते हैं और दूसरों लोगों की भी जान बचा सकते हैं, उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। पहले ये देखिए, यहाँ आपको कुछ करने के लिए दिया गया है। यह कहानी दो गुणों पर आधारित है, कोड समझकर उनका पता लगाओ। यानी दो गुणों पर ये पूरी कहानी आधारित है, तो इस आधार पर हमने यहाँ कोडिंग दी रखी है, यहाँ कोड संख्या दी रखी है, यहाँ उसका नंबर दिया हुआ है और आपको नीचे जो अक्षर लिखे हुए हैं उसको लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे ब, यहाँ लिखेंगे हा, यहाँ दू, यहाँ री। बहादुरी शब्द बन जाएगा पूरा, बहादुरी। फिर यहाँ लिखेंगे ओ, यहाँ लिखेंगे र, तो शब्द बनेगा और। यहाँ लिखेंगे च, यहाँ लिखेंगे तू, यहाँ लिखेंगे रा, यहाँ लिखेंगे ई, तो शब्द बनेगा चतुराई। और पूरा लिखेंगे तो शब्द बनेगा बहादुरी और चतुराई। तो ये दो गुण पे ये कहानी आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक रहते थे। सैनिक यानी सिपाही, यहाँ सैनिक शब्द का अर्थ है सिपाही। तो बहुत समय पहले की बात है, यूनान जो देश है उसमें कुछ बहादुर सिपाही रहते थे या सैनिक रहते थे। यूलिसिस उन्हीं सैनिकों में एक था। एक सिपाही था जिसका नाम था यूलिसिस, वो उन्हीं बहादुर सैनिकों में से एक था। एक बार युद्ध, युद्ध शब्द का अर्थ है यहाँ लड़ाई। एक बार युद्ध के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ता भटक कर किसी अन्य देश में पहुंच गए। तो एक बार की बात है, यूलिसिस और उसके साथी युद्ध के बाद यानी लड़ाई के बाद अपने शहर समुद्र के रास्ते से अपने शहर लौट रहे थे, तब वे लोग रास्ता भटक जाते हैं और वो किसी और देश में पहुंच जाते हैं। और जिस देश में पहुंचते हैं वहाँ क्या होता है? इस देश में विशालकाय यानी बहुत बड़े राक्षस यानी दानव या दैत्य, जहाँ यूलिसिस और उसके साथी पहुँचे रहते हैं उस देश में बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते थे या दानव रहते थे, जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था। इन बड़े बड़े राक्षसों को साइक्लॉप्स कहा जाता था। और उनका कैसा आकार प्रकार था, आकार किस प्रकार का था, कैसे वो दिखने में थे, ये बताया गया है आगे। उनके माथे के बीचों बीच एक आग थी। जो साइक्लॉप्स थे, जो राक्षस थे जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था, उनके माथे के बीचों बीच एक आग रहती थी। वे गुफाओं में रहते थे, वो गुफाओं के अंदर रहते थे। उनकी बकरियाँ व भेड़े भी गधों के समान बड़ी बड़ी थी। उनकी जो बकरियाँ थी, जो भेड़े थी, वो भी गधों जैसे हमारे गधे बड़े बड़े होते हैं, वैसे उनकी बकरियाँ और भेड़े बड़ी बड़ी रहती थी। तो कुछ जब यूलिसिस और उसके साथी युद्ध के बाद अपने शहर से वापस लौट रहे थे तो वो किसी और देश में पहुंच जाते हैं, जहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था। और उनके माथे के बीचों बीच एक आग होती थी, और वे जो साइक्लॉप्स होते थे, जो राक्षस होते थे जिनका नाम साइक्लॉप्स था, वो एक गुफाओं में रहते थे। उनकी बकरियाँ और भेड़े भी गधों के समान बड़ी बड़ी होती थी। एक दिन एक भयानक यानी डरावना राक्षस पॉलीफेमस ने यूलिसिस और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर दिया। तो एक दिन क्या होता है कि एक
भयानक यानी बहुत ही डरावना राक्षस जो रहता है, जिसका नाम रहता है पॉलीफेमस, उसने यूलिसिस और उसके जो साथी रहते हैं उसको अपनी गुफा में बंद कर देता है, कैदी बना लेता है, एक तरह से कह सकते हैं आप। कैदी वो क्यों बनाता है सबको? ताकि उसका भोजन का काम चल सके। वो लोगों को, यूलिसिस और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद किए रहता है और वो हर प्रतिदिन 2 सैनिकों को मारकर खा जाता था, और वो उन लोगों को गुफा में बंद किए रहता है ताकि उसका भोजन का काम कुछ दिनों तक चलता रहे। वह हर रात उनमें से 2 सैनिकों को मारकर खा जाता था। तो जो पॉलीफेमस था वो हर रात जितने उसके यूलिसिस और उसके साथी थे उनमें से 2-2 सैनिकों को करके मार के खा जाता था। एक दिन यूलिसिस ने एक योजना बनाई। अब यूलिसिस और उसके साथी इस चीज़ से चिंतित थे कि कैसे उस गुफा से बाहर निकले, कैसे वो उस राक्षस से अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो बड़ा ही विशाल था और बड़ा ही डरावना भी था, खतरनाक था वो। तो यूलिसिस ने एक योजना बनाई, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी बहादुरी का प्रयोग किया और उसने एक योजना बनाई। उसने पॉलीफेमस को एक नशे वाला शरबत पीने को दिया। जो यूलिसिस रहता है वो पॉलीफेमस उस राक्षस को एक दिन एक नशे वाला शरबत पीने के लिए देता है, जिससे पॉलीफेमस खुश हो गया। जो पॉलीफेमस है जब नशे वाला शरबत पी लेता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, और उसने उसका नाम पूछा। जब शरबत को ले जाता है, यूलिसिस ही ले जाता है उसके पास, और पॉलीफेमस को नशे वाला शरबत देता है, और पॉलीफेमस वो नशे वाला शरबत पी लेता है और पीने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। और जब खुश हो जाता है तो वो यूलिसिस से उसका नाम पूछता है। तो यूलिसिस ने कहा, मेरा नाम है कोई नहीं। तो यूलिसिस ने अपना नाम बताया पॉलीफेमस को कि उसका नाम है कोई नहीं। नाम सुनकर उसे हंसी आ गई। नाम सुनते ही जो पॉलीफेमस था उसको हंसी आ जाती है और वह बोलता है, यह कैसा नाम है तुम्हारा? जो पॉलीफेमस है उसे जब यूलिसिस कहता है कि मेरा नाम है कोई नहीं, ये नाम सुनकर पॉलीफेमस को हंसी आ जाती है और वह बोलता है कि यह कैसा नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। और उसके आगे पॉलीफेमस कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत अच्छा शरबत पिलाया, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं तुमको सबसे लास्ट में, सारे सैनिकों को मारने के बाद सबसे लास्ट में तुम्हें मारूँगा। यह कहकर वह सो गया। इतना कहने के बाद पॉलीफेमस जो है वो नशे का शरबत पी के सो गया। उसके सोने के बाद यूलिसिस ने एक लकड़ी लेकर उसकी आँख में घुसा दी। जैसे ही पॉलीफेमस सो जाता है नशे का शरबत पी के बेसुध होकर, उसके बाद जो यूलिसिस रहता है वो क्या करता है कि एक लकड़ी लेता है और उसकी आँख में घुसा देता है ताकि उसे दिखाई देना पहले बंद हो जाए। वह दर्द से बेहाल होकर चिल्लाने लगा, बेहाल यानी बुरा हाल। तो जो पॉलीफेमस है उसको दर्द होने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर अन्य राक्षस गुफा के पास आ गए। जब वो पॉलीफेमस जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज़ सुनकर जो आसपास की गुफाएं होती हैं जिसमें और राक्षस रहते हैं वो गुफा के पास आ जाते हैं। बस गुफा का दरवाज़ा वो रात में बंद किए रहता है तो सब गुफा के पास आ जाते हैं। गुफा बंद थी इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा। गुफा का दरवाज़ा बंद था, रात का समय था, तो जो और राक्षस बाहर खड़े थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उसकी आवाज़ सुनने के बाद जितने राक्षस गुफा के बाहर आए थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो पॉलीफेमस ने कहा कि मुझे कोई नहीं मार रहा है। तो पॉलीफेमस बोलता है, जब जो और दानव रहते हैं वो गुफा से बाहर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पॉलीफेमस बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार रहा है। उसकी बात सुनकर सारे राक्षस वहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे कोई नहीं मार रहा है। तो जब राक्षस
पॉलीफेमस ने कहा कि मुझे कोई नहीं मार रहा है, यानी वो तो उसने यूलिसिस का नाम लिया क्योंकि यूलिसिस ने उसको अपना नाम कोई नहीं बताया था। तो जब पॉलीफेमस ने अन्य राक्षसों से कहा कि मुझे कोई नहीं मार रहा है और उसकी बात सुनकर जो अन्य दानव थे उन्हें यही लगा कि इसे कोई व्यक्ति नहीं मार रहा है, ये ऐसे ही चिल्ला रहा है, इसलिए बिना ही मदद किए वो सारे राक्षस अपनी गुफाओं में वापस चले गए। आग फूटने से पॉलीफेमस को दिखाई देना बंद हो गया। आग फूटने की वजह से जो राक्षस था पॉलीफेमस उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। अब प्रत्येक यूनानी सैनिक ने उसकी भेड़ के पेट से अपने आप को कसकर बांध लिया। अब आग फूट जाती है यूलिसिस की, आग फूट जाती है पॉलीफेमस की और उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो दिखाई देना बंद हो जाता है तो जितने और सैनिक यूनानी सैनिक रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को जो उसकी भेड़ होती है, जो भेड़ गुफा के अंदर रखा रहता है और सुबह चरने के लिए भेजता है और शाम को वापस लाके वो बांधता था सब भेड़ और बकरियों को अपने गुफा के अंदर रखता था। तो जो उनकी भेड़ें थी उन सारी भेड़ों से एक एक सैनिकों ने अपने भेड़ों के पेट से एक एक सैनिकों ने अपने आप को कसकर बांध लिया। अगली सुबह पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चरने के लिए भेज दिया। तो अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है पॉलीफेमस को दिखाई देना बंद हो जाता है। वो उसे तो दिखाई देता नहीं है कि इन भेड़ों के पेट से सैनिकों ने अपने आप को बांध लिया है। तो वो गेट अपना गुफा का दरवाज़ा खोलता है धीरे धीरे बिना अंदाजे से ही और अपनी जो भेड़ें रहती हैं उनको बाहर चरने के लिए भेज देता है। भेड़ों के साथ ही यूनानी सैनिक गुफा से बाहर निकल गए। जैसे ही भेड़ें सारी बाहर निकलते गई वैसे जो यूनानी सैनिक थे वो भी गुफा के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलते गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को भेड़ों के पेट से अपने आप को कस के बांध रखा था। और इस तरह से यूलिसिस ने चतुराई दिखाते हुए अपने आप को भी बचाया और अपने साथियों को भी बताया। यूलिसिस से बदला लेने के लिए वह चतुराई यानी चालाकी दिखाते हुए बोला। अब पॉलीफेमस जो है वो अपने भेड़ों को बाहर निकाल देता है चरने के लिए। उसके बाद उसे ये लगता है कि अभी भी इस गुफा के अंदर यूलिसिस और उसके साथी बंद हैं। तो वो यूलिसिस से बदला लेने के लिए चतुराई दिखाता है, चालाकी दिखाता है पॉलीफेमस, और चालाकी दिखाते हुए बोलता है कि कोई नहीं, तुमने मुझे मारा लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे पास आकर बैठो। अब यूलिसिस बाहर निकल गया है लेकिन पॉलीफेमस को ये बात पता नहीं है। वो पॉलीफेमस यूलिसिस से बदला लेना चाहता है इसलिए वो चतुराई दिखाते हुए बोलता है कि कोई नहीं, उसका नाम लेके बोलता है कि कोई नहीं, तुमने मुझे मारा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम मेरे पास आकर बैठो। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला फिर, लेकिन कोई गुफा के अंदर तो था नहीं कि कोई उत्तर देता। पॉलीफेमस को कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि यूलिसिस अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था, क्योंकि उस गुफा के अंदर न यूलिसिस था न उसके कोई साथी था। तो इस तरह से यूलिसिस ने अपनी बहादुरी और चतुराई से अपनी भी जान बचा ली और अपने साथियों की भी जान बचा ली। तो आइए पुस्तक अभ्यास देखते हैं इसका। पहले दिया है शब्दार्थ, शब्दार्थ अपने नोटबुक में आप लिखेंगे। सैनिक शब्द का अर्थ होता है सिपाही। सैनिक शब्द का अर्थ होता है सिपाही। युद्ध शब्द का अर्थ होता है लड़ाई। विशालकाय शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़े। राक्षस शब्द का अर्थ होता है दानव या दैत्य। भयानक शब्द का अर्थ होता है डरावना। बेहाल शब्द का अर्थ होता है बुरा हाल। चतुराई शब्द का अर्थ होता है चालाकी। तो ये शब्दार्थ है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आगे देखिए, आगे हेडिंग है पाठ को समझें। इस हेडिंग के अंतर्गत पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सही उत्तर चुनकर हमें टिक लगाना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये पहला प्रश्न है। ये देखिए, यूनान के सिपाही कैसे थे, जो यूनान देश के सिपाही थे वो कैसे थे। चालाक पहला ऑप्शन है, लालची थे। दूसरा ऑप्शन है बहादुर थे। तीसरा ऑप्शन है कायर थे। तो यूनान के सिपाही बहादुर थे, तो बहादुर शब्द पे हम टिक लगा लेंगे इस तरह से।
प्रश्न संख्या ख, युद्ध के बाद सैनिक किस रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। युद्ध के बाद जो सैनिक थे यूनानी, वो किस रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। पहला विकल्प है सुरंग के रास्ते से, दूसरा विकल्प है हवाई रास्ते से, और तीसरा विकल्प है समुद्री रास्ते से। सही विकल्प है समुद्री रास्ते से। उसके आगे जो बॉक्स बना है उस पर टिक लगा लेंगे। प्रश्न संख्या ग, यूलिसिस ने पॉलीफेमस को क्या पीने के लिए दिया। पहला विकल्प है शरबत, दूसरा विकल्प है कॉफ़ी, तीसरा विकल्प है चाय। तो सही विकल्प है शरबत। शरबत शब्द के आगे जो बॉक्स बना है उस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक। पहला है, पहला प्रश्न है क, यूलिसिस और उसके साथी घूमते घूमते कहाँ पहुँचे। ये पहला प्रश्न है कि यूलिसिस और उसके साथी घूमते घूमते कहाँ पहुँचे। तो उत्तर होगा इसका, यूलिसिस और उसके साथी घूमते घूमते भटककर किसी अन्य देश में पहुँच गए। प्रश्न संख्या ख, पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा कि पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए यूलिसिस से कहा कि तुमने मुझे मारा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे पास आकर बैठो। ये पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए कहा। अब प्रश्न संख्या लिखित में आइए। आपको नोटबुक में मौखिक और लिखित दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लिखित है, इसमें मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे, सॉरी जो आंसर था वो काफ़ी बड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। पहला प्रश्न है, विशालकाय राक्षस दिखने में कैसे थे। तो इसका उत्तर होगा, विशालकाय राक्षस दिखने में बड़े ही भयानक थे, उनके माथे के बीच में एक आग थी। प्रश्न संख्या ख देखिए इसका, पॉलीफेमस सैनिकों का क्या कर रहा था। तो पॉलीफेमस हर रात दो सैनिकों को मारकर खा जा रहा था। प्रश्न संख्या ग, यूलिसिस ने पॉलीफेमस के सोने के बाद क्या किया। तो यूलिसिस ने पॉलीफेमस के सोने के बाद उसकी एक लकड़ी लेकर उसकी आँख में घुसा दी, जिससे उसकी आँख फूट गई। प्रश्न संख्या घ ये रहा, यूनानी सैनिक पॉलीफेमस की गुफा से कैसे बाहर आए। ये प्रश्न है, तो उत्तर है, सभी यूनानी सैनिकों ने अपने आप को भेड़ों के पेट से बांध रखा था। अगली सुबह जब पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चरने भेजा, तो भेड़ों के साथ साथ यूनानी सैनिक भी गुफा से बाहर निकल गए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा सारा। आगे देखिए प्रश्न संख्या तीन, हाँ नहीं में उत्तर दो। पहला है, हाँ नहीं यानी अगर सही है तो हाँ और गलत है तो नहीं। पहला देखिए, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है, यूलिसिस एक राजा था। यहाँ नहीं, क्योंकि यूलिसिस एक सैनिक था, राजा नहीं था। प्रश्न संख्या ख, विशालकाय राक्षसों को साइक्लॉप्स कहते थे। तो यहाँ उत्तर होगा हाँ। ग, साइक्लॉप्स के माथे के बीचों बीच एक आग थी। ये भी हाँ। घ, पॉलीफेमस एक महान संत था। नहीं। अंग, यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया। हाँ ये सही होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा होगा। प्रश्न संख्या चार, कौन कैसा था, मिलान करो। यानी पॉलीफेमस कैसा था और यूलिसिस कैसा था। पहला ये है हमारा यूलिसिस और ये है हमारा पॉलीफेमस। तो यूलिसिस कैसा था, बुद्धिमान था। यूलिसिस बहादुर भी था, यूलिसिस चतुर भी था। तो ये तीन मिलान हम यूलिसिस करेंगे, यूलिसिस के साथ करेंगे। और आगे जो पॉलीफेमस था वो विशालकाय था, यानी बहुत बड़ा था, क्रूर था, निर्दयी था और मूर्ख था। ये तीनों का मिलान हम पॉलीफेमस से करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न भाषा को समझे इसके अंतर्गत है। पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखो, यानी शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे शहर का गांव दिया है, तो चलिए पहला है बदसूरत, यहाँ उसका विलोम होगा खूबसूरत। बाहर शब्द का विलोम होगा अंदर। स्वतंत्र शब्द का विलोम होगा परतंत्र। स्वतंत्र यानी आज़ाद, परतंत्र यानी गुलाम। पसंद शब्द का विलोम होगा नापसंद।
सुबह शब्द का विलोम होगा शाम, तो इस तरह से विलोम शब्द लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या दो, दिए गए शब्दों के अनेक अर्थ समझकर लिखो। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके एक अर्थ के जगह अनेक अर्थ लिखना है, यानी एक से ज़्यादा अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप जग, एक जग का अर्थ होता है संसार भी, और जग का अर्थ होता है एक बर्तन भी। इसी तरह से ख, पर शब्द का एक अर्थ होगा पंख, और यहाँ पर शब्द का एक और अर्थ होगा लेकिन। प्रश्न संख्या ग, अंक, यहाँ अंक शब्द का अर्थ है, यहाँ अंक शब्द का अर्थ है एक संख्या, और एक अर्थ है अंक का गोद। प्रश्न संख्या घ, उत्तर, इस शब्द का एक अर्थ होता है एक दिशा, और उत्तर, इस शब्द का एक अर्थ होता है जवाब। तो इस तरह से प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यानी जो प्रश्न दिया है उसमें से जो वाक्य दिए हैं उन वाक्यों में सर्वनाम शब्द जो प्रयोग किए गए हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है। पहला है, वे रास्ता भटककर दूसरे देश चले गए थे। इसमें सर्वनाम शब्द है वे, ख है उनके माथे के बीचों बीच एक आग थी। इसमें सर्वनाम शब्द है उनके, वे उनके। प्रश्न संख्या ग, पॉलीफेमस ने उसका नाम पूछा, तो उसका यह है सर्वनाम शब्द घ, तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। इस वाक्य में सर्वनाम है तुम्हें, अंग ये वाक्य, उन्होंने बाहर से ही हाल पूछा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है उन्होंने, तो इस तरह से सारे सर्वनाम शब्दों पे हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या चार, वाक्य पढ़कर क्रिया शब्दों का बदला हुआ रूप लिखिए। वाक्य पढ़ना है, यहाँ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उसका बदल के हमें सही रूप लिखना है। पहला है क, सिपाहियों ने शहर पर हमला कर देना, यहाँ उसका बदल के लिखा हुआ है दिया, इसी तरह हमें बदलना है। ख, वह दर्द से छटपटाते हुए चिल्ला, तो यहाँ होगा चिल्लाया, वह दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाया। प्रश्न संख्या ग, तुम शरबत पीना, तो यहाँ होगा क्रिया का सही रूप पियो, तुम शरबत पियो। प्रश्न संख्या घ, उन्होंने स्वयं को भेड़ के पेट से बांधना, इस क्रिया का सही रूप होगा बांध लिया, उन्होंने स्वयं को भेड़ के पेट से बांध लिया। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, सुनो ध्यान से, इसके अंतर्गत अध्यापक अध्यापिका सीढ़ी से निर्देश सुनकर घर के अलग अलग कमरों के नाम लिखेंगे। पहला हमने लिखा है यहाँ दूसरे नंबर पर अतिथि कक्ष, पाँचवें नंबर पर स्टोर, सातवें नंबर में पढ़ाई का कमरा, उसके बाद पहले नंबर पर बैठक लिखा हुआ है, चौथे नंबर पर हम लिखेंगे मोहित का कमरा, तीसरा नंबर पर रसोई लिखी हुई है, और छठे नंबर पर हम लिखेंगे गुसल खाना। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ हमें कुछ और चतुराई और बहादुरी से कहानियाँ संकलित करके उन्हें पढ़ना है, और कक्षा में अदल बदल के बच्चों आपस में ही पढ़ना है, ठीक है, रचनात्मक कार्य है। उसके बाद देखिए नोटबुक वर्क में हम क्या क्या करेंगे। नोटबुक वर्क में हम पहले चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर लिखेंगे, फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर शब्द और अर्थ लिखेंगे। जो शब्दार्थ आपको भी मैंने पढ़ के बताया सेम वही शब्दार्थ हम लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर में सेम वही लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक प्रश्न उत्तर लिखित। प्रश्न क, यूलिसीज उसके साथी घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, यूलिसीज उसके साथी घूमते घूमते भटक कर किसी अन्य देश में पहुँच गए। मौखिक प्रश्न उत्तर पहले लिखेंगे फिर लिखित लिखेंगे। प्रश्न संख्या ख, पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए क्या कहा, पॉलीफेमस ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि तुमने मुझे मारा, कोई नहीं तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे पास आकर बैठो। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, विशालकाय राक्षस दिखने में कैसे थे, तो उत्तर होगा विशालकाय राक्षस दिखने में बड़े भयानक थे, उनके माथे के बीच में एक आग थी। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, पॉलीफेमस सैनिकों का क्या कर रहा था, तो उत्तर होगा पॉलीफेमस हर रात दो सैनिकों को मारकर खा जाता था।
प्रश्न संज्ञा अंग, यूलिसिस ने पॉलीफेमस के सोने के बाद क्या किया? यूलिसिस ने पॉलीफेमस के सोने के बाद एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी जिससे उसकी आंख फूट गई। प्रश्न संख्या छ, यूनानी सैनिक पॉलीफेमस की गुफा से कैसे बाहर आए? तो उत्तर होगा इसका, सभी यूनानी सैनिकों ने अपने आप को भेड़ों के पेट से बांध रखा था। अगली सुबह जब पॉलीफेमस अपनी भेड़ों को बाहर चरने के लिए भेजा तो भेड़ों के साथ साथ यूनानी सैनिक भी गुफा से बाहर निकल गए। ये उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या दो, निम्न शब्दों का उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। विलोम शब्द दिए हुए हैं, मैचिंग करना है। जैसे बड़ा तो होगा उसका छोटा, प्रातः उसका होगा साय, दुखी इसका होगा सुखी, योग्य अयोग्य, कायर वीर। तो इस तरह से ये मैचिंग है जो हमें करना है नोटबुक में। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, इसको आपको अलग से करना होगा, जो मैंने अभी दिखाया है यही वर्ड है। उसके बाद देखिए पाठ से संबंधित शिक्षा प्रश्न है, कट पेस्ट है। आपको कोई भी शेप में चार्ट पेपर कट करना है, उसको लिखना है और उस पर चिपका देना है नोटबुक में। पाठ से संबंधित शिक्षा प्रश्न है। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न क्या पूछा है, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम चतुराई और बहादुरी से अपनी व अन्य लोगों की भी जान बचा सकते हैं। यही शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। तो हमने सारा पाठ भी पढ़ लिया है, पुस्तक अभ्यास भी कर लिया, नोटबुक कार्य भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।